से। तो आज हम बनाएंगे मंचूरियन डोसा। तो उसके लिए हम पहले डोसा का बैटर बनाने के लिए शाम को हम नराइस और उड़द की जो दाल होती है उन दोनों को सोक करने के लिए छोड़ देंगे। जितना ही आप राइस लेते हो उनका 1/4 आपको उड़द की दाल लेनी है। जो भी आप क्वांटिटी रखना चाहो राइस की उनका 1/4 कप हमें उड़द की दाल की क्वांटिटी रखनी है। पहले हम 7-8 घंटे के लिए उसे सोक करने के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे सुबह को हम उसे पीस लेंगे और उसका बैटर बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे राइस लिया है और ये उड़द की दाल ली है। जितना ही आप राइस लो उसका 1/4 भाग आपको उड़द की दाल का लेना है और दोनों को अलग अलग बर्तन में हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे। तो आज हम बनाएंगे मंचूरियन डोसा। मंचूरियन और डोसा दोनों ही सबको पसंद ही होते हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पे ही मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो हमने कल जो डोसे का बैटर बनाने के लिए जो राइस और दाल में भिगोई थी उसको मैंने यहाँ पर मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसको इसमें थोड़ा सा सोल्ट ऐड करेंगे। आपको इस तरह का बैटर का थिकनेस रखना है और अब हम इसे छोड़ देंगे और अब हम बनाएंगे मंचूरियन। पहले और मंचूरियन बनाने के लिए पहले हमने एक कैबेज को चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहो तो खाली मैदा भी ले सकते हो और अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो मैदा और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे क्योंकि मैदा थोड़ा सा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हेल्दी पर्पज से आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा व्हीट फ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करते जाएंगे और आज से डो बनाते जाएंगे। पहले आप थोड़ा ही ऐड करो और देखो फिर बाद में जो जरूर पड़े तो इसमें डालो क्योंकि जो कैबेज है वो बाद में थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। तो हमें इस तरह से थोड़ा सा डो को ठीक रखना है। और आप क्या करो के जो फ्लोर है उसमें कैबेज चॉप करके नहीं डालो क्योंकि क्या होगा फिर बाद में जो कैबेज है पानी छोड़ेगी तो फिर हमें उसमें आटा ऐड करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए और फिर आटा आटा ही हो जाएगा और खाने के टाइम वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, खाली आटे का ही फ्लेवर आएगा उसमें। तो आप पहले कैबेज लो और उसमें आटे को मिक्स करो। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और जो हम बॉल बनाएंगे उसको उसमें फ्राई कर लेंगे। हमें इसकी फ्लेम एकदम ही मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें मंचूरियन को इसमें फ्राई करना है वरना क्या होगा अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर पक जाएगा। तो हमें इसकी फ्लेम पहले तो कम रखनी है। मंचूरियन का जो जब आप डो बना रहे हो तब आप इसमें रेड चिली पाउडर या गरम मसाला ऐड कर सकते हो जिससे कि इसका कलर थोड़ा ब्राउन जैसा हो जाएगा। पर मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे ही इसको फ्राई करूँगी। जो आप थोड़ा तीखा पसंद करते हो तो इसमें
थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप जब भी ये डो बनाओ तो तुरंत ही आप बॉल्स बना के फ्राई कर लो, वरना क्या होगा, जितना ये रेस्ट करेगा उतना ही जो केबेज में से पानी थोड़ा सा निकलता रहेगा और हमें ऊपर से थोड़ा और आटा मिलाते रहना पड़ेगा और इससे केबेज का जो फ्लेवर है वो दब जाएगा और हमें खाली आटे का ही फ्लेवर आएगा। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ, कितने से लिया छोटे छोटे ही बनाओ, क्योंकि जब वो थोड़े बड़े बन जाते हैं तो अंदर से थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अब हम इस मंचूरियन को इसमें ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें मीडियम या स्लो ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, वरना ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। और इसको लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये धीरे धीरे थोड़े से ऊपर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे मंचूरियन फ्राई हो चुके। अब देख सकते हो थोड़े से ये ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा उसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हमारे मंचूरियन बनके रेडी हो चुके हैं। पहली बार हमें बस इतना ही इसको फ्राई करना है, क्योंकि हम इसे दोबारा भी फ्राई करेंगे। पहले इसको थोड़े से ठंडे होने देंगे, फिर इसको दोबारा फ्राई करेंगे। अब हमारे जो एक बार मंचूरियन को हमने फ्राई कर लिया है, आप वैसे ऐसे भी इसको बना सकते हो अगर आपको दोबारा फ्राई करना ना हो तो, और ऐसे भी आप इसको खा सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे तो ऐसे ही इसको खा लेते हैं, क्योंकि उसको वेजिटेबल्स थोड़ा से पसंद नहीं है। तो ये क्या करते हैं, आते जाते बॉल्स उठाकर खा लेते हैं और मंचूरियन ग्रेवी बनने का वेट भी नहीं करते। वैसे ये हमें भी खाने में अच्छा लगता है। अगर आपको इसकी ग्रेवी नहीं बनानी हो तो आप ऐसे भी इसको चाय के साथ एज ए स्नैक खा सकते हो। और अगर आप इन मंचूरियन बॉल्स को जो सुबह बनाना चाहते हो, शाम को कोई गेस्ट आने वाले हैं या शाम को आपको थोड़ी सी जल्दी है, तो आप सुबह इसको बना लो और एक बार फ्राई कर लो, फिर शाम को आप दूसरी बार फ्राई करो। क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ दो बार ही फ्राई करती हूँ, उससे इसका जो टेस्ट है एकदम ही चेंज हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। अब हमारे बॉल्स हैं ठंडे हो चुके हैं, अब हम उसे दोबारा फ्राई करेंगे। और अब ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इसमें देंगे और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन, कैप्सिकम ग्रीन, ये ऑनियन और ये गाजर, और इसमें है लहसुन और ये अदरक। तो मैंने लहसुन और अदरक को बारीक पीसा नहीं है और पेस्ट नहीं बनाई है, ऐसा ही मैंने रखा है, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। जब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं तो उसका टेस्ट मुंह में हमें नहीं आता, पर ये जब हमें खाने में आता है तो एकदम से टेस्टी लगता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हमें ग्रेवी बनाने के लिए इस तरह के जो लोहे का बर्तन आता है उसमें हमें ग्रेवी बनानी है, क्योंकि इसमें थोड़ा
क्या होगा, थोड़ा पकेगा भी नहीं और थोड़ा कच्चा भी नहीं रहेगा। मीडियम साइज के हमारे जो वेजिटेबल्स है वो उसमें फ्राई होंगे और इसका इसमें बनाने से थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। और ज़्यादातर चीज़ें हम जो बाहर रेस्टोरेंट में वगैरह में जो हम चीज़ें खाते हैं वो चाइनीज जो रेसिपीज हम खाते हैं वो सभी इसमें ही हम वो लोग बनाते हैं। तो आज हम भी इसमें ही एक ग्रेवी बनाएंगे। इसमें हमें थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। पहले हम इसमें जो हमने ये लहसुन चॉप करके रखा है वो ऐड करेंगे और इसको इसका कच्चापन निकलना चाहिए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और लहसुन हमारा पक गया है, अब हम उसमें जो हमने अदरक चॉप किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने गाजर लिया था वो ऐड करेंगे और ओनियन ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें कैप्सिकम और स्प्रिंग ओनियन ऐड करेंगे। कोई लोग मंचूरियन की ग्रेवी बनाने में जो हमने गाजर डाला है वो नहीं डालते, पर मैंने यहाँ पर हेल्दी पर्पज से इसको इसमें गाजर को ऐड किया है क्योंकि इसमें गाजर होगा तो बच्चे आराम से खा लेंगे, वरना वो वेजिटेबल्स को खाना पसंद नहीं करते ज़्यादातर बच्चे। तो अब ये भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें जो ग्रीन कैप्सिकम है वो ऐड कर देंगे। आपके पास रेड येलो कोई भी पेपर हो आप इसमें ऐड कर सकते हो और थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये चिली सॉस, मैंने थोड़ा ही ऐड किया है क्योंकि तीखा हो जाएगा तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं। यहाँ मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड करूंगी और हम यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट है, तो इस हिसाब से आप इसमें सॉल्ट को ऐड करो। आप इसमें फ्लेवर सॉल्ट भी डाल सकते हो क्योंकि जब बाहर हम खाते हैं तो उसमें फ्लेवर सॉल्ट भी ऐड करते हैं, पर हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग ओनियन। इस ग्रेवी को थोड़ा थिक बनाने के लिए मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें हम ऐड कर देंगे जिससे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें मंचूरियन को ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा कम पानी डालो या थोड़ा सा वेजिटेबल्स कम कर दो, पर हमें यहाँ खाली मंचूरियन को नहीं खाना है, हमें इसमें डोसे में इसको ऐड करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखेंगे। और इसको एक मिनट तक फुल फ्लेम पर ऐसे ही टर्न करते रहेंगे।
है ये मंचूरियन बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, राइस के साथ भी खा सकते हो, पर आज हम इसे डोसे के साथ सर्व करेंगे। तो और ये हमारा मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है और अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग ओनियन और बच्चों के लिए है इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज भी ऐड करेंगे। और तैयार है हमारा मंचूरियन। अब हम डोसा बनाएंगे। उसके लिए हम बेटर को इस तरह से रख कर आपको अच्छा सा एक डोसा बना लेना है। इस तरह से देंगे और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और तैयार है हमारा ये मंचूरियन डोसा। आप चाहो तो इसको सांभर के साथ, कोकोनट की चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या टोमेटो ओनियन की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये मंचूरियन की रेसिपी अच्छी लगी हो। आप एक बार आप घर पे ट्राई करके इस तरह से बनाकर जरूर देखना। थैंक यू।